नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज़ प्लेसड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रिलीज सवाल ये कानीटिक एनर्जी अटेन बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ वाई विल बी और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं नाउ uh, बहुत ही सिंपल सवाल है कि अगर आपका एम मास का पार्टिकल चार्ज क्यू उसको अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में uh, रख दिया है सो so उस केस में जो आपका एक्सलेशन होएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास और इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी उसका क्यू वी इलेक्ट्रिक फोर्स ओके फोर्स हो जाएगा आपका क्यू डिवाइडेड बाई आपका एक्सलेशन हो जाएगा नाउ अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करें तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इसमें अगर हम u को इनिशियल वेलोसिटी जीरो एज्यूम कर लें और एस की वैल्यू हमें यहाँ पे वाई uh, दे रखी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाय वाई तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई नाव uh, हमें पता है कानीटिक एनर्जी जो होता है दैट इक्वल टू हाफ़ एम वी स्क्वायर सो इसी टर्म को अगर हम हाफ से और हाफ uh, एम से मल्टीप्लाई कर दें तो अपनी कानीटिक एनर्जी आ जाएगी सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू रख दिया आपने टू इंटू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू वाई सो इसको सॉल्व करके हम कह सकते हैं कान्टिंग एनर्जी टू विल गेट कैंसल एम गेट कैंसल विल बी इक्वल टू क्यू ई वाई राइट सो ये अपनी कान्टिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्यू ई वाई वुड बी द राइट आंसर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करें सो so उसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत हैं सिर्फ और सिर्फ ए जो है उसके डायमेंशन एनर्जी के रहेंगे सो इवन दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड द राइट आंसर पर हमेशा हमें कैलकुलेशन तो करनी आनी ही चाहिए सो इन दिस केस ए वुड बी द राइट चॉइस